फ्रेंड्स, आज Xiaomi ने दिल्ली में अपना तीन नया प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, जो Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro और MIUI 4। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लीक्स और रूमर्स आ रहे थे कि चाइना में जो Redmi 5 Plus लॉन्च हुआ है वही यहाँ Redmi Note 5 बनकर आएगा। तो दोस्तों, हाँ, वही Redmi Note 5 है, पर Xiaomi ने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है Xiaomi Redmi Note 5 Pro। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro दोनों का एकदम डिटेल रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर Xiaomi ने अपना Redmi Note 4 लॉन्च किया था, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, जिसने Xiaomi को नंबर वन ब्रांड बना दिया था स्मार्टफोन का। तो इस साल 2018 में Xiaomi ने अपना Redmi Note 4 का सक्सेसर Redmi Note 5 को लाया, जो ऑलमोस्ट Redmi Note 4 जैसे स्पेसिफिकेशंस देता है। तो Redmi Note 5 की फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको 6 इंचेस की 18:9 की IPS LCD की स्क्रीन मिलती है, जो गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। और Xiaomi ने इस बार ये नहीं बताया कि इसमें कौन सा गोरिल्ला ग्लास यूज किया हुआ है। तो एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो इसमें आपको 7.1.2 नोगट मिलता है MIUI 9 के साथ। और चिप की बात करूं तो इसमें आपको Redmi Note 4 वाला एक पुराना Snapdragon 625 का चिप मिलता है, जो एक octa-core चिप है और इसको 2 GHz में क्लॉक किया गया है। और GPU की बात करूं तो इसमें आपको Adreno का 506 का GPU मिलता है। Redmi Note 5 आपको दो वेरिएंट में मिलता है, 3GB RAM 32GB इंटरनल और 4GB RAM 64GB इंटरनल। अब मैं आता हूँ कैमरा की तरफ। तो Redmi Note 5 में आपको 12MP का रियर कैमरा मिलता है, जिसका aperture f2.2 है, और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1080p है। और Redmi Note 5 में आपको सभी तरह के सेंसर्स मिलते हैं, जैसे गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, जो Redmi Note 3 और Redmi Note 4 में आपको मिलती थी। और कलर्स की बात करूं तो Redmi आपको 4 कलर्स में मिलता है, ब्लैक, गोल्ड, रोज गोल्ड और लाइट ब्लू। और प्राइस की बात करूं तो सेम Redmi Note 4 जैसा ही प्राइस है उसका, जो 3GB 32GB वाला वेरियंट था वो आपको 10,000 में मिलेगा, और 4GB रैम और 64GB वाला वेरियंट था वो आपको 12,000 में मिलेगा। बैटरी की बात करूं तो आपको Redmi Note 5 में 4000mAh की बैटरी मिलती है, जबकि आपको Redmi Note 4 में 4100mAh की बैटरी मिलती थी। तो इस बार Xiaomi ने बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम करके दी। स्पेक्स की बात करूं तो आपको इसमें 6 इंचेस की 18:9 वाली IPS LCD की स्क्रीन मिलती है, और दोनों ही फोन यानी Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro में आपको मेटल की बॉडी मिलती है। सिम कार्ड की बात करूं तो आपको दोनों ही फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलते हैं, जिसमें आप एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो, या फिर दोनों सिम कार्ड यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो आपको Redmi Note 5 की तरह ही Redmi Note 5 Pro में 7.1.2 Android वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको Snapdragon का 600 सीरीज का एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, जो Snapdragon 636, जो एक octa-core CPU है जिसे 1.8 GHz में क्लॉक किया गया है। और GPU की बात करूं तो इसमें आपको Adreno का 509 का GPU मिलता है, जो गेमिंग में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। Redmi Note 5 Pro में आपको दो वेरिएंट मिलता है, 4GB RAM 64GB स्टोरेज और 6GB RAM 64GB स्टोरेज। अब हम आते हैं कैमरा की तरफ। तो कैमरा में आपको ड्यूअल रियर कैमरा मिलता है, पहला कैमरा जो 12MP का है जिसकी अपर्चर f2.2 है, और दूसरा कैमरा जो 5MP का है जिसका अपर्चर 2.0 है। और फ्रंट में आपको 20MP का कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर 2.0 है और जिसका रेजोल्यूशन 1080p है। और सेंसर्स की बात करूं तो इसमें Redmi Note 5 की तरह इसमें सारे सेंसर्स दिए गए हैं, और बैटरी भी एकदम सेम है, जो है 4000mAh की बैटरी। अब आते हैं कलर्स की तरफ। तो Redmi Note 5 Pro में आपको 4 कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक, गोल्ड, रोज गोल्ड और लेक ब्लू। और कैमरा की बात करूं तो इसमें 20MP कैमरा मिलता है। अभी आपको ओप्पो वीवो खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Xiaomi उससे भी कम बजट में उससे भी अच्छा कैमरा देता है, उससे भी अच्छा स्पेस देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए आप रुके वो है प्राइस। प्राइस की बात करूं तो इसमें आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज आपको मिलता है 14,000 रुपए में, और 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलता है आपको 17,000 रुपए में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही मोबाइल अपने बजट में एकदम बेस्ट फोन है, और जैसे लास्ट ईयर Redmi Note 4 नंबर वन बिकने वाला मोबाइल था, तो इस साल मुझे लगता है कि Redmi Note 5 Pro सबसे नंबर वन बिकने वाला मोबाइल होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और बीच में जो सर्कल आया उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में जो दो वीडियो आया उसे भी क्लिक करके देख लेना।